So today our topic is risk and risk profiling, and what are the steps in risk profiling. Basically we say that risk assessment. So health and safety का एक management system जो latest इस time अभी follow किया जा रहा है वो ISO 45001:2018 है. तो उसमें जो define किया गया है कि risk को, कि risk is defined as the combination of likelihood of occurrence of a work-related hazardous event or exposures and the severity of injury and ill health that can be caused by the events or the exposure. जो ISO 45001 में जो define किया गया है risk को, वो कहा गया है कि risk जो है वो likelihood का जो occurrence है, chance of occurrence है किसी भी hazardous event का, और जो कॉन्सिक्वेंस का जो एक्सपोजर है उसका जो लेवल है उसके कॉम्बिनेशन को रिस्क कहा जाता है. सिंपली इन सिंपल वे में हम लोग कहते हैं कि रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ हजार्डस इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट. किसी भी हजार्डस इवेंट का जो लाइकलीहुड है, चांस ऑफ अकरेंस है, और जो उसकी सेवरिटी या कॉन्सिक्वेंस है, जो उसका घातक परिणाम है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग रिस्क कहते हैं. तो डिफिनेशन में बड़ी सिंपल वे में कहा गया है, it is the likelihood that the hazard will cause harm in combination with the severity of injury, damage or loss that might foreseeably occur. ye likelihood hota hai kisi bhi hazardous event ka ki chance of occurrence kya hai, aur severity jo hai wo injury ke levels ko batati hai ya damage ke levels ko batati hai ya loss ke levels ko batati hai, decide karti hai. So jo above definition bataya gaya hai, the above definition tells us that for a risk to be measured, एक रिस्क को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, देन वी नीड टू लुक एट टू पैरामीटर्स, नेमली द लाइकलीहुड ऑफ द हजार्ड्स एंड नेक्स्ट वुड बी द सेवरिटी ऑफ द इंजरी. दो पैरामीटर्स से हम लोग रिस्क को नापते हैं, एक तो लाइकलीहुड जो होता है उसको, और जो हजार्डस इवेंट का चांस ऑफ अकरेंस, और जो कॉन्सिक्वेंस होता है या सेवरिटी जो होती है घातक परिणाम, इन दोनों को जोड़ करके ही हम लोग रिस्क को प्रोफाइल करते हैं, रिस्क को नापते हैं. जैसा कि बताया गया कि रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड ऑफ ए हजार्ड कॉजिंग हार्म इनटू सेवरिटी ऑफ द हार्म. सो वी मे डिस्क्राइब रिस्क एज हाई, मीडियम और लो. हम लोग रिस्क को डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है. ये डिपेंड करता है कि लाइकलीहुड क्या है हजार्डस इवेंट का और सेवरिटी क्या है. इसी के बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाई है कि मीडियम है कि लो है. रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होता है कि रिस्क प्रोफाइल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क हैं हर एक काम में, उसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर लेना रिस्क प्रोफाइलिंग कहलाता है. अ रिस्क प्रोफाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्म्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द अप्रोच टू लीडिंग एंड मैनेजिंग इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क. रिस्क प्रोफाइलिंग में सारे जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, अप्रोच होते हैं, किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी के रिस्क को हम लोग मैनेज करेंगे, वो सारे अप्रोचेज आ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना होगा, डिसाइड करना होगा इस हजार्ड से किसको चोट लग सकती है, किसको नुकसान हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसको नोट डाउन करके फिर उसके सेवरिटी के लेवल्स को पता करना है कि कितना नुकसान होगा, अगर नुकसान होगा तो हाई मीडियम लो होगा, देन उसके बाद अप्लाई करना कंट्रोल मेजर्स को और रिव्यू कर लेना उसको टाइम टू टाइम. तो ये सारे स्टेप्स जो है वो रिस्क प्रोफाइलिंग में आते हैं. तो इसीलिए कहा गया कि अ रिस्क प्रोफाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द अप्रोच टू लीडिंग एंड मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क. फिर रिस्क असेसमेंट क्या है, इट इज अ फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स बाय इवैल्यूएटिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम अ हैजर्ड्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द एडिक्वेसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंट्रोल and deciding whether or not the risk is acceptable. Risk assessment क्या है? एक formalized process है जिसके अंदर hazards को identify किया जाता है, उसके बाद उसको prevent किया जाता है, उसके बाद उसके साथ कुछ protective measures लगा करके उसको और कम किया जाता है evaluate करने के बाद. तो ये हमारे जो steps होते हैं इसको हम लोग risk assessment कहते हैं, ठीक है ना. So risk profiling, what is involved in risk profiling, who should be involved, risk profiling में कौन involved होना चाहिए, risk profiling process क्या होता है. तो
जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने ही रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हजार्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क होता है। किसी में जान जाने का खतरा है, किसी में हाथ के टूटने का खतरा है, किसी में फिंगर के हल्के से कट जाने का खतरा है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपोजर होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ऑन रिस्क प्रोफाइल। सारे ऑर्गेनाइजेशन के अपने रिस्क प्रोफाइल होते हैं। एंड दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रेटेस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रिस्क प्रोफाइलिंग जो है वो वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से शुरुआत होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिस्क जो है वो छूने लायक होता है कि आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, और इमीडिएट हजार्ड्स होते हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके जो रिस्क होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड रिस्क जो रिस्क होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे मशीन का घूमता हुआ हिस्सा है तो ये टेंजिबल है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल हैं। जैसे कोई बायोलॉजिकल हैजार्ड है जिसको आप टच नहीं कर सकते, बैक्टीरिया वायरस को, तो वो इनटेंजिबल के फॉर्म में हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग हैजार्ड होते हैं, अलग अलग रिस्क होते हैं। जैसे रिस्क प्रोफाइल एग्जामाइंस, क्या क्या रिस्क प्रोफाइल में एग्जामाइन किया जाता है। जब रिस्क प्रोफाइलिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसमें क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। पहली चीज, द नेचर एंड लेवल ऑफ द थ्रेट्स फेस्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेचर ऑफ थ्रेट्स है, ये प्रॉब्लम्स है, जो हजार्ड है, उसका नेचर क्या है और उसका लेवल क्या है। कम लेवल का है, अधिक लेवल का है, बहुत अधिक लेवल का है। देन लाइकलीहुड ऑफ एडवर्स अफेक्टिंग अकरिंग। लाइकलीहुड क्या है, अगर ये जो थ्रेट्स पाए गए हैं, जो हजार्ड्स पाए गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसका क्या लाइकलीहुड है, चांस ऑफ अकरेंस क्या है, और अगर अकरेंस होता है तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिथिल आइसोसाइनाइड जैसे केमिकल्स, जो कि बहुत ही हजार्डस केमिकल हैं, पॉइजनस केमिकल हैं, जो कि भोपाल गैस की त्रासदी उसी की वजह से हुई थी, MIC की वजह से। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर MIC जैसा कोई केमिकल रखा हुआ है तो उसका लाइकलीहुड ऑफ एडवर्स अफेक्टिंग क्या होगा, बहुत ही, जैसे इन केस अगर लाइकलीहुड लीक होता है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करेगा। तो लाइकलीहुड मतलब चांस ऑफ अकरेंस क्या है। तो आप जब देखेंगे कि कोई केमिकल रखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी सेफ्टी के मेजर्स लगाए जाते हैं, यानी और सेफ्टी बढ़ाई जाती है। जितना ज्यादा हाई रिस्क वाला होगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज सबसे ज्यादा होंगे, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग उसका जो है वो सेफ्टी के मेजर्स लगाए जाते हैं। तो नेचर क्या है, लेवल क्या है थ्रेट्स का, और चांसेस क्या है कि वो घटना घटित होगी, लाइकलीहुड क्या है उसका। फिर द लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच टाइप्स ऑफ रिस्क। जो लेवल है कि कितना डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा, जब ये जो रिस्क है जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर ये कुछ घटना को क्रिएट करता है, कुछ इंसिडेंट होता है इसकी वजह से, तो डिस्ट्रप्शंस का लेवल क्या होगा, उसके क्या कॉस्ट आएंगे। जैसे डिस्ट्रप्शन लेवल बहुत हाई हो सकता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड अगर लीक हो जाए तो इसका मतलब बहुत से लोग की जान चली जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। फिर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्लेस टू मैनेज दोस रिस्क। जो कंट्रोल मेजर आपने लगा रखा है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, कितना इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो द आउटकम ऑफ रिस्क प्रोफाइल विल बी दैट द रिस्क, राइट रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज फॉर एक्शन। जो ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क प्रोफाइलिंग का क्या है, कि जो राइट रिस्क है, सही रिस्क है, जिसको पता होना जरूरी था, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको प्रायोरिटाइज कर दिया है। प्रायोरिटाइज का मतलब प्राथमिकता दे दी है। जो ज्यादा खतरनाक है उसको पहले कंट्रोल मेजर लगा के कंट्रोल करिए, जो छोटे हैं, कम है, हल्के फुल्के हैं, उसको बाद में करिए। कहा कि प्रायोरिटाइज फॉर एक्शन एंड माइनर रिस्क विल हैव बीन गिवन टू मच प्रायोरिटी। जो छोटे मोटे रिस्क है उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इट ऑल्सो इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट व्हाट द रिस्क कंट्रोल मेजर्स आर नीडेड। और रिस्क प्रोफाइलिंग में ही डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके के रिस्क कंट्रोल को हमको देना चाहिए। रिस्क प्रोफाइलिंग, अब रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होती है, कहा हु शुड बी इन्वॉल्व्ड इन रिस्क प्रोफाइलिंग। कौन से बंदे रिस्क प्रोफाइलिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे बताया कि रिस्क को असेस करने वाला, रिस्क असेसर, रिस्क असेसमेंट करने वाला बंदा। तो पहली चीज तो बताई कि हु शुड बी इन्वॉल्व, रिस्क असेसर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कहा रिस्क असेसर शैल हैव
टीम अप्रोच इन्वॉल्विंग लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर, हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे लोग रिस्क प्रोफाइलिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए। मैनेजर भी होना चाहिए, सुपरवाइजर भी होना चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट भी होने चाहिए, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। फिर रिस्क एसेसर, फिर कहा कॉम्पिटेंस ऑफ रिस्क एसेसर इज वाइटल। जो रिस्क एसेसर जो प्रोफाइलिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, जो रिस्क प्रोफाइलिंग करने जा रहा है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंस लेवल बढ़िया होनी चाहिए। जैसे कॉम्पिटेंट बंदा कौन सा होता है कि पर्सन हु हैज गेन द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड हु हैज पर्टिकुलर नॉलेज, सफिशियंट नॉलेज, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट हम लोग कहेंगे उसको। तो रिस्क एसेसर, रिस्क प्रोफाइलर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। फिर कॉम्पिटेंस इज असेस्ड बाई, उसकी कॉम्पिटेंसी कैसे असेस करेंगे कि भाई कॉम्पिटेंट है और ये बहुत ही ठीक है, उचित है। तो उस एसेसर की कॉम्पिटेंसी किस में होना चाहिए, नॉलेज ऑफ आरए प्रोसीजर, आरए मतलब रिस्क एसेसमेंट। उस कॉम्पिटिटर को उस रिस्क एसेसर को नॉलेज होना चाहिए रिस्क एसेसमेंट की, उसके प्रोसीजर की, नॉलेज ऑफ प्लांट एंड प्रोसेस की उसको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स की उसको स्टैंडर्ड्स मानक की नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि हम एस्काफोल्ड की, तो एस्काफोल्ड को लगाने के लिए वर्ल्ड वाइड कई स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन कोड ऑफ प्रैक्टिस 3696 को फॉलो किया जाता है एस्काफोल्ड को लगाने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि यूके के लिए तो BSEN स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। अगर ओशा की बात करते हैं तो ओशा CFR 29 सब पार्ट एल को फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से उसको डिफरेंट मानक, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि पर्टिकुलर हर एक चीज की कि किस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसको फॉलो कर रही है और रिस्क असेसमेंट जो हम कर रहे हैं उसको किस स्टैंडर्ड्स के थ्रू करेंगे, यानी HSG 65 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हम फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें जो बताया गया है अपनी कंपनी की पॉलिसीज के अंदर, जो हमारे जो अरेंजमेंट सेक्शन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसकी ही मस्ट हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट कि विच स्टैंडर्ड्स ही इज फॉलोइंग, कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। फिर कहा कि कॉम्पिटेंस होना चाहिए वो बंदा जो रिस्क एसेसर है, कहा कीन एंड अवेयर ऑफ लिमिटेशंस, हर एक चीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके लिमिटेशंस के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से लोगों से बात करे। अगर रिस्क प्रोफाइलर या रिस्क एसेसर की लैंग्वेज बैरियर है कि वो हिंदी नहीं जानता है और लेबर सारे हिंदी जानते हैं तो लेबर का इंटरव्यू कैसे ले पाएगा वो, तो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। देन रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए कि रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है, किन किन बातों को सही तरीके से उसमें पॉइंट आउट किया जाता है, उसको उसकी राइटिंग स्किल्स, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। देन कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए, वो लिटरेट होना चाहिए, कंप्यूटर से भी होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी में बना करके मेल भी करनी होती है, तो उसको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। अब रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि बताया ना कि अभी बात कही थी कि रिस्क प्रोफाइलर या रिस्क एसेसर उसको स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो कहा कि द HSG प्रोवाइड्स गाइडेंस इन HSG 65 ऑन व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी द की एक्शन इन इफेक्टिव रिस्क प्रोफाइलिंग। हेल्थ एंड सेफ्टी का एक मानक है यूके का HSG 65, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि की एक्शन कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन सी काम जो है वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है रिस्क प्रोफाइलिंग में, विच मेक्स एक्सप्लिसिट द एक्शन रिक्वायर्ड ऑफ लीडर्स ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन से एक्शन उसके लिए आवश्यक है। अब प्रोसेस में क्या होता है रिस्क प्रोफाइलिंग इन्वॉल्व, रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन एंड प्रोसेस। जितने भी ऑपरेशन हमारी कंपनी में हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट को हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, रिस्क असेसमेंट की एंड रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी टू इवैल्यूएट द रिस्क। रिस्क असेसमेंट की मेथोडोलॉजी हम लोग देखते हैं कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की गई है रिस्क असेसमेंट में, उसको हम लोग देखते हैं। एंड डेवलपिंग ए सुइटेबल मींस फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग अश्योरेंस, और उसको देखने के बाद हम लोग एक अच्छा सा एक मींस ऑफ मॉनिटरिंग, किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी है, किस तरीके से एश्योर करना है, इसको हम लोग डेवलप करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो रिस्क रजिस्टर यूज करती हैं डॉक्यूमेंट्स को, और जितने भी रिस्क होते हैं उनके सारे के सारे रिस्क को वो रजिस्टर में नोट डाउन कर लेते हैं।
फिर दोज हु अंडरटेक द रिस्क असेसमेंट नीड्स टू बी कॉम्पिटेंट टू डू सो। कोई जो बंदा जिसको आप रिस्क असेसमेंट के लिए भेज रहे हैं वो उसको नॉलेज होनी चाहिए, ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट की एक्सपर्टाइज को नॉलेज होनी चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्क प्रोसेस चल रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। कहा रिस्क इन्फॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम इंटरव्यूज विद डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड स्टाफ एंड फ्रॉम द वर्कशॉप नीड टू बी कम्प्लीट कन्फर्म्ड एंड रैंक टूगेदर विद अदर डेटा। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरव्यू से निकाली जाती है। सारे के सारे लोगों की इंटरव्यू हो सकती है उसमें, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, स्टाफ, वर्कर्स, एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व ओवरऑल रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए। पर्पस क्या होता है रिस्क असेसमेंट एंड सुइटेबल एंड सफिशियंट स्टैंडर्ड्स इट नीड्स टू रीच, HSG 65 की स्टैंडर्ड्स है मैनेजिंग फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। पर्पस क्या होता है रिस्क असेसमेंट का, रिस्क असेसमेंट क्या करता है, डिटरमाइंस द मेजर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लाई विद रिलेवेंट हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन। कानून के हिसाब से कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने की आवश्यकता है, किस किस तरीके से सेफ्टी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने की आवश्यकता है, ये पर्पस है रिस्क असेसमेंट की। ये बताता है कि भाई क्या क्या आवश्यकता है, कौन कौन से लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। फिर क्या है पर्पस ऑफ द रिस्क असेसमेंट, क्या है, टू इंश्योर दैट द रिस्क आर मिनिमाइज्ड बाय द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर। ये सुनिश्चित करना पर्पस होता है कि सार जितने भी रिस्क थे उसको हम लोगों ने मिनिमाइज कर दिया और कंट्रोल फॉर्म में ले लिया है, उसको कंट्रोल रखे हुए हैं। टू इंश्योर द लीगल कंप्लाइंसेस, रिस्क असेसमेंट जो है वो लीगल कंप्लाइंसेस को इंश्योर करता है कि भाई हमारे यहाँ कानून का पालन हो रहा है, भाई देखिए हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो कानून का पालन हो रहा है। टू प्रिवेंट द इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग एंड कॉन्सिक्वेंट इंजरी एंड इल हेल्थ, इंजरी है, डिजीज है, किसी भी तरीके के डैमेज ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे घटनाओं को रोकना इसका पर्पस होता है रिस्क असेसमेंट का। टू प्रिवेंट लीगल इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स मैनेजर, किसी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए, इन्फोर्समेंट एक्शन ना लिया जाए, इससे बचाने के लिए। भाई एक्सीडेंट होगा, अगर रिस्क असेसमेंट नहीं किया जाएगा तो एक्सीडेंट हजार्ड्स कंट्रोल फॉर्म में नहीं होंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा, और नहीं कंट्रोल फॉर्म में नहीं होंगे तो किसी न किसी को चोट लगेगी उसकी वजह से, जिसकी वजह से नुकसान होगा। तो इससे क्या होगा कि लीगल इन्फोर्समेंट एक्शन लिया जाएगा किसी के, यानी कि एनफोर्समेंट एजेंसीज आप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन लेगा, तो इसको भी प्रिवेंट करता है। टू प्रिवेंट, और क्या पर्पस हो सकता है रिस्क असेसमेंट का, टू प्रिवेंट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम एन एक्सीडेंट। जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक्सीडेंट की वजह से, उसको प्रिवेंट करना। एक्सीडेंट होता है तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व होती है, तो उसको प्रिवेंट करना। क्राइटेरिया फॉर सुइटेबल एंड सफिशियंट रिस्क असेसमेंट, क्या क्राइटेरिया है सुइटेबल एंड सफिशियंट रिस्क असेसमेंट का, उसका क्राइटेरिया में है कि नेम ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन लिखा होना चाहिए, जो एसेसर है उसको उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसकी डिजिग्नेशन लिखी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सिग्निफिकेंट हजार्ड हैं जिसकी वजह से रिस्क अराइज हो रही है, जो कि वर्क से कनेक्टेड है, उसके बारे में होना चाहिए, उसकी उसको उसको पता करके उसका जो लेवल है उसको एज लो एज रिजनेबली प्रैक्टिकेबल एक्सेप्टेबल लेवल में ले करके आना चाहिए। जितने भी लोग हैं जो कि रिस्क में आ सकते हैं, जोखिम जिनके जिनके पास में है, चाहे वो वर्कर्स हों, विजिटर हों, या वल्नरेबल पर्सन हों, जितने भी लोग हों, सबको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स में सबसे पहला डिस आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड दूसरा स्टेप डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, तो किसको नुकसान हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर आइडेंटिफाई होना चाहिए। फिर इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द करंट कंट्रोल मेजर्स, जो पहले से कंट्रोल मेजर लगा हुआ है उस हजार्ड के लिए, उस रिस्क के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना। Identify other control measures which are required to be control risk to an acceptable level. Acceptable level पर लाने के लिए और भी जो control measures की आवश्यकता है उसको implement कराया जाए। फिर उसके बाद और क्या purpose हो सकता है risk assessment का, कहा enable the employer to identify and prioritize the control measure. जो भी control measure की आवश्यकता, hazard मिले हैं, hazards को control करने के लिए control measure लगाना होगा, तो प्राथमिकता देना आवश्यक है, तो उसको प्रायोरिटाइज करना होगा कि पहले जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है उसको जल्दी से कंट्रोल मेजर लगा करके सही करिए, जब जो कम नुकसान पहुंचा सकता है उसको बाद में करिएगा।
रिकॉर्ड्स करना फाइंडिंग्स को रिस्क असेसमेंट की जो चीज पाई है, हजार्ड पाया है, उस पर लेवल जो निकला है, जो उस पर कंट्रोल मेजर लगाया है, वो सब रिकॉर्ड कर लीजिए। कहा बी अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ द वर्क्स एंड बी अप्रोपोर्शनेट टू द रिस्क। जो नेचर ऑफ वर्क है उससे आप हमेशा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उचित होना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। फिर स्टेट द पीरियड्स ऑफ टाइम फॉर विच इट विल रिमेन वैलिड। रिस्क असेसमेंट के बारे में या रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में बता दिया जाए कितने टाइम के लिए ये वैलिड होगा, उसके बाद जैसे साल भर, एक साल का होता है, एक साल के बाद उसको रिन्यू करना होता है, दोबारा रिस्क असेसमेंट करना होता है, वो आउटडेटेड हो जाता है। फिर एक जनरल अप्रोच जो रिस्क असेसमेंट का होता है वो वही 5 स्टेप है। रिस्क असेसमेंट का जो स्टेप है, प्रोसीजर है, इस अप्रोच है, वो 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप रिस्क असेसमेंट इसीलिए कहा जाता है इसको। पहला स्टेप जिसके अंदर होता है आइडेंटिफाई द हजार्ड, हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफाई द पीपल हु आर एट रिस्क, वो लोग जिसको जो रिस्क में है उस हजार्ड से। जैसे एक हजार्ड है, नॉइस है, कहीं पर वाइब्रेशन हो, नॉइस क्रिएट हो रहा है, कोई ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है, तो नॉइस से किसको किसको नुकसान हो सकता है, हजार्ड है, नॉइस इज ए हजार्ड, किसको नुकसान हो सकता है, आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। एक तो ऑपरेटर ही होगा, एक आस पास में खड़ा हुआ बंदा काम कर रहा है उसको होगा, या आस पास निकलने वाले बंदे भी हो सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है इवेल्यूट द रिस्क, रिस्क को इवेल्यूट करना, है ना। इवेल्यूट का मतलब क्या है कि उसको प्रॉपर तरीके से देखना कि कितना नुकसान हो सकता है ना, फिर डिसाइड करना कि प्रिकॉशन क्या है। इवेल्यूट द रिस्क टेकिंग अकाउंट ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी डू, आपने पहले से क्या कर रखा है, क्या एक्स्ट्रा करना है, एंड डिसाइड इफ यू नीड टू डू मोर, क्या आपको और अधिक करना होगा। फिर रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स जो पाई हैं उसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्म पे भर लीजिए, जो रिस्क असेसमेंट का फॉर्म है उसमें भर लीजिए। फिर उसके बाद रिव्यू करना, रिव्यू के साथ में रीजन पता होना चाहिए कि क्यों रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। अब हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बड़े तरीके होते हैं, जैसा पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड जो है वो रिस्क असेसमेंट का सबसे पहला स्टेप्स होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। तो इस वजह से हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग लेकर के ही जब बंदा जाएगा तभी सारे हजार्ड्स आइडेंटिफाई कर पाएगा। वर्क प्लेस पे जा करके किस तरीके हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, कुछ आपको दिया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए कि पहले से ये फॉर्मेट है, चेकलिस्ट है, इससे जा करके नोट डाउन कर लिए तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कहा हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन के बड़े मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है कैरी आउट अ वर्क प्लेस इंस्पेक्शन, जाइए वर्क प्लेस पे घूमिए और नोट डाउन करिए कि कौन कौन से हजार्ड आपको मिले हैं, कहाँ कहाँ पर मिले हैं, लेकिन उसका लोकेशन और टाइम बहुत सही सही सूटेबली नोट डाउन करिए ताकि दोबारा पहुंचना हो तो पहुंच जाए उस हजार्ड तक। टास्क एनालिसिस, जिसे हम लोग JHA या JSA कहा जाता है, टास्क एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जॉब हजार्ड एनालिसिस, इसमें एक काम को, एक जॉब को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, उसके बाद एक एक टुकड़े से हजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे किसी का पर ग्राइंडिंग होनी है तो पहला स्टेप होगा ग्राइंडिंग मशीन का इंस्पेक्शन, कॉर्ड को चेक करिए, प्लग को चेक करिए, उसकी व्हील को चेक करिए, उसके गार्ड को चेक करिए, RPN को देख लीजिए, रोटेशन पर मिनट व्हील का, मशीन का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्रैक तो नहीं है किसी ग्राइंडर के व्हील के अंदर, ये इंस्पेक्शन किया, तार में कहीं कट तो नहीं लगा है, प्लग जो है वो ठीक है कि नहीं है, जहां जिस जगह लगाएंगे उस जगह प्लग ठीक है कि नहीं है, सारी चीजें इंस्पेक्ट कर लेंगे। तो ये पहला स्टेप होता है कि इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के ड्यूरेशन में ही बहुत से हजार्ड होते हैं कि इंस्पेक्शन अगर ऐसे करने जा रहे हैं कि प्लग लगा करके बिजली का उसके बाद इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो ये खतरनाक है ना। तो टास्क एनालिसिस जो आपको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके सारे स्टेप्स के हजार्ड को निकाल लेना। फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंसल्ट, जो बहुत से कंसल्टेंट होते हैं जिसको नॉलेज होती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेजिस्लेशन, बहुत से लॉज है, कानून है, जब आप पढ़ेंगे, लीगल गाइडेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो सेफ्टी से कैसे करना है ना, जैसे लाइव इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ऊपर कैसे बिहेव करना है, क्या हजार्ड होते हैं, सारी चीजें लेजिस्लेशन में बताया जाता है। फिर मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कोई जितने भी प्लांट होते हैं उसमें बहुत से सब्सटेंसेस यूज होते हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो मैनुअल प्रिपेयर किया जाते हैं, कुछ मैकेनिकल मशीनों से प्रिपेयर किया जाता है। फॉर केमिकल, जैसे केमिकल है तो केमिकल की मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSDS शीट जो है वो बनाने वाला या बेचने वाला वो प्रोवाइड करता है किसको, हमारे जो परचेजर होते हैं, जैसे कंपनी के अंदर कोई केमिकल खरीदा तो MSDS शीट भी दिया जाता है, उसके साथ एक बुकलेट भी दिया जाता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। फिर और कहाँ से हजार्ड पता चल सकता है, इंसिडेंट डेटा से, कहीं कोई घटना घटी तो जो पहले से रखी हुई है, उसका इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स रखा हुआ है तो वहां से पता चल जाएगा उसको। फिर दूसरा होता है आइडेंटिफाई द पीपल
हु आर एट रिस्क, जो लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जो रिस्क में आ सकते हैं। वर्कर्स एंड ऑपरेटर्स हो सकता है, सुपरवाइजर मैनेजरियल स्टाफ हो सकता है, मेंटेनेंस स्टाफ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, क्लीनर्स एंड हाउसकीपर्स आ सकते हैं, विजिटर्स कस्टमर आ सकते हैं, मेंबर्स ऑफ पब्लिक आ सकते हैं। तो इतने लोग किसी भी हजार्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा स्टेप होता है रिस्क को इवेल्यूएट करना, है ना। इवेल्यूएट का मतलब क्या है, टेकिंग अकाउंट ऑफ व्हाट यू आर ऑलरेडी डू एंड डिसाइड इफ यू नीड टू डू मोर। तो तीसरा स्टेप होता है कि आप रिस्क को इवेल्यूएट करिए, है ना, आकलन और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करिए, तो लाइक्लीहुड क्या होता है कि लाइक्लीहुड जैसे आपने कहा 1 2 3, ठीक है, 3 4 5, लाइक्लीहुड को आपने कहा 1 2 3 4 5, सेवरिटी को 1 2 3 4 5 कहा। तो अगर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है लाइक्लीहुड, 1 2 3 4 5 और सेवरिटी 1 2 3 4 5। तो लाइक्लीहुड का मतलब जब एक की बात आती है, जैसे यहाँ पर समझने वाली बात आती है कि आप एक क्यों देंगे, तो एक के बारे में कहा जाता है कि अगर जैसे एक अगर किसी लाइक्लीहुड घटना घटित होने की संभावना, तो बहुत ही रेयर है कोई घटना की घटित होने की संभावना होगी तो आप एक देंगे उसको। अगर लगता है हाँ ये घटनाएं घटती हैं तो अनलाइकली देंगे, कभी कदार घट जाती हैं, और लगता है कि नहीं वाकई घटा करती हैं तो फेयरली लाइकली है तो ये घट जाएंगे, और लाइकली श्योरली है कि ये घटनी है या वेरी लाइकली है कि बहुत श्योर है कि ये घटना घटेगी। क्रेन को देख लिया, अगर हमने लोड उठाते हुए लोड की कैपेसिटी देख ली कि 30 टन लिखा हुआ है, क्रेन है जो 20 टन की है, तो हम लोग क्या कहेंगे, घटना घटित होने की संभावना 4 है, तो बहुत एकदम श्योर है कि घटना घटित होगी क्योंकि अधिक लोड उठा रहा है और लिमिट स्विच उसके अंदर काम नहीं कर रही है तो उठाने की कोशिश करेगा। लिमिट स्विच होती है वो क्रेन उठा नहीं देती, वो शट डाउन कर देती सिस्टम को। सेवरिटी, अगर बहुत ही छोटी मोटी घटना, उससे चोट लगनी है तो वेरी माइनर इंजरी, थोड़ी ज्यादा है फर्स्ट एड इंजरी तो 2 कहेंगे, लॉस्ट टाइम इंजरी 3 कहेंगे, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट 4 कहेंगे, डिसेबलिंग या इंजरीज को कहेंगे जो चोट लगा के बिल्कुल अपाहिज करते तो 5 कहेंगे। तो अगर ग्रीन आता है तो नो एक्शन, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 है, अगर आपने लाइकलीहुड एक दिया तो कॉन्सिक्वेंस एक दिया, सेवरिटी एक दिया तो 1 × 1 = 1। तो एक आया है तो अगर ग्रीन पे आया है ना, तो ग्रीन के ऊपर नो एक्शन रिक्वायरमेंट है, कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी जगह पर माइनर आया है, ठीक है ना, ये सॉरी मॉनिटर करने के लायक आया है, हल्का ग्रीन, जैसे यहाँ पर डार्क ग्रीन था या लाइट ग्रीन है, तो यहाँ पर अगर रिस्क आया है तो इसके लिए भी एक्सेप्टेबल है। अगर येलो पे आया है तो कहा अनडिजायरेबल है, अगर कहा कि राइट यानी कि अर्जेंट पे आया है, अर्जेंट एक्शन, अगर इस कलर में आया है तो अर्जेंट एक्शन है ना, अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगर रेड पे है तो स्टॉप कर लीजिए। तो डार्क ग्रीन के ऊपर तो एक्सेप्टेबल है, यहाँ तक भी कहा कि फर्स्ट एड इंजरी तक वाला भी एक्सेप्टेबल है, और बहुत अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो येलो तक भी जाया जा सकता है कि हाँ इस पर काम चलाएं। लेकिन कोशिश ये होती है, रिस्क के बारे में लॉ कहता है कि यू हैव टू मिनिमाइज द रिस्क एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जितना संभव है उतना आपको कम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। असंभव नहीं कह रहा है लेकिन संभव कह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे यहाँ बताया कि 1 से 3 है तो कोई एक्शन ले एक्सेप्टेबल है, 4 से 6 है अगर तो एक्सेप्टेबल है, इफ सम एक्शंस कैन रिड्यूस द फर्दर, तो थोड़ा बहुत काम करके एक्शन को कम करके और कर सकते हैं, 8 से 2 है तो टॉलरेबल है, हाउएवर एफर्ट्स शुड बी मेड टू रिड्यूस द रिस्क, उसके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ही सही नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये रिस्क असेसमेंट की पूरी मैट्रिक्स दी गई है, और मैट्रिक्स देने का रीजन यही है कि इसको समझा जा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अप्लाइंग कंट्रोल मेजर को कल डिस्कस करते हैं, उसके आगे भी डिस्कस करते हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, वी विल डिस्कस टुमारो कंट्रोल मेजर।